जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओमचो चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना प्यार देने के लिए आप सभी का। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, ताकि आपको हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमेशा दुखी रहने वाले लोग कैसे होते हैं और हमेशा दुखी रहने के क्या क्या जो कारण हैं, उन कारणों पर हम चर्चा एक मोटे तौर पर एक अच्छी चर्चा करेंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि क्या उसका निवारण है, क्या कारण है और क्या क्या उसमें चीज़ें हैं। सबसे पहली बात कहना चाहता हूँ कि दुखी व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा सोचता है। दुख का एक सबसे बड़ा कारण है, जो जितना ज़्यादा सोचेगा नकारात्मक उतना दुखी होगा। तो आपको आज अभी इसी वक्त से कोई भी मन में नकारात्मक ख्यालों को जन्म नहीं देना है और नकारात्मक नहीं सोचना है। दूसरा कारण ये है कि वो काम जो काम किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति ने किया और उसमें उस व्यक्ति को जो भी परिणाम मिले, खासकर नकारात्मक परिणाम, उन परिणामों को कभी भी हम पर लागू न कीजिए कि हमारे साथ भी यही होगा। हर व्यक्ति की किस्मत अलग है, हर व्यक्ति की मेहनत अलग है, हर व्यक्ति के सोचने का समझने का तरीका अलग अलग है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। तीसरी बात है, खाली दिमाग शैतान का घर। ये बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। अब दिमाग खाली रहेगा तो तरह तरह के विचार आएंगे, तरह तरह की बातें होंगी। तो ये कोशिश करें कि किसी भी काम में, चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, उसमें बिजी रहे, उसमें व्यस्तता रहे। चौथी बात है कि आर्थिक तौर से जो दुखी हैं, खासकर ज़्यादातर लोग हमारे देश में या कहीं भी आर्थिक रूप से दुखी बहुत ज़्यादा है। अन्य दुख, देखिए दुख हर व्यक्ति दुखी है, यहाँ पर आप ये मत समझिए, बस दुख के पैमाने अलग हैं और दुख की कैटेगरी अलग बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति इससे दुखी है, ये व्यक्ति इससे दुखी है, लेकिन दुखी सभी लोग हैं। जो दुखी हैं आप, जिस भी चीज़ का दुख है, उसमें सबसे बड़ा दुख है आर्थिकता। और आर्थिकता केवल और केवल कर्म करने से बाहर हो सकती है, कोई गलत कार्य करने से या कोई शॉर्टकट से कभी आर्थिकता मजबूत नहीं की जा सकती। आप ईमानदारी से, पूरी मेहनत से काम करिएगा, व्यवहार डेवलप करिएगा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से एक बार सेटअप होने के बाद आपकी आर्थिकता मजबूत हो जाएगी। और आपने कई स्टोरी ऐसी सुनी होगी कि साहब, हम जब आए थे यहाँ पर, खाने के लिए रोटी नहीं थी हमारे पास, या एक जोड़ी कपड़े में आया था मैं, पर आज मेरे पास ये सभी चीज़ें हैं। तो वो लोग क्यों वहाँ पहुँचे, उसके पीछे एक रीज़न है, उन्होंने मेहनत की, पूरी ईमानदारी से मेहनत की और उस चीज़ से वो ऊपर उठकर बाहर आए। अब एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ, पांचवी चीज़ जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है, अगर जो काम हमारे बस में नहीं है, जो हमारे बस में है ही नहीं, उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ईश्वर एकमात्र ऐसी सत्ता है जो इस दुनिया को चला रही है, और ईश्वर के बिना मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी काम संपन्न हो पाएगा। तो हमेशा ईश्वर का आप नाम लेते रहिएगा। और मैं तो दोस्तों आपको एक गौर रहस्य बता रहा हूँ, दुख अपनी जगह है, सुख अपनी जगह है। चाहे कैसा भी आलम हो, अच्छा हो बुरा हो, आप ईश्वर को मत छोड़िएगा, बस उसका ही नाम लेते रहिएगा, उसका जप करते रहें, उसका नाम लेते रहें, ईश्वर का, ओम नमः शिवाय का जाप करें, जो भी आपके इष्ट देवता उनका जाप करें। जाप में वो शक्ति है दोस्तों जो काई किसी भी चीज़ में शक्ति नहीं है, जो जाप में शक्ति है। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैं वो बातें आपसे शेयर करता हूँ जो बिल्कुल त्वरित आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं। मैं आपको अतिरिक्त ग्रहों के चक्करों में उलझाना नहीं चाहता हूँ, उसमें उलझने से व्यक्ति एक अलग ही डायवर्शन हो जाता है। मैं आपको बिल्कुल वैसे उपाय बताता हूँ जो बिल्कुल फ्री में आपको हो पाए, और मैं उन्हीं चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। और ये सब वेदों में, ज्ञानों में बहुत ही मजबूती से लिखी हुई चीज़ें हैं, जिन्हें हम भूल रहे हैं। और इस आधुनिकता में जो एक पैसे कमाने की एक होड़ है, उसमें हम तरह तरह के उपचारों में उलझे हुए हैं। तो मैंने आपको एक बहुत ही रहस्यमय उपचार बताया है, आप ईश्वर का नाम लीजिएगा, आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, जय श्री महाकाल।